आज 12 घंटिया संबलपुर बंद डाकरा दि जाए। संबलपुर नागरिक क्रियानुष्ठान कमिटी तरफ आज जो 12 घंटिया क्रिया जो बंद डाकरा दी है से मुख्य 5 दबा दाबी रही देखिपे सीधा सड़क चित्र देखु संबलपुर जो रही कचेरी छक जो पश्चिम 5टी जो मुख्य दाबी रही हूँ पश्चिम ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य और संबलपुर हाइकोर्टर स्थायी बेंच और संबलपुरी भाषा को संविधान अष्टम अनुच्छेद सामिल एवं संबलपुर स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर प्रचलन बंद एवं संबलपुर पानी मीटर प्रचलन बंद तो ये जो मुख्य किसी समस्या रही है ये प्रतिक्रिया ना मुख्य कौन कौन रही आप जो 5 दफा दापी नहीं कौन आमर तो पश्चिम ओडिशार बहुत अवहेलित होकर अच्छे से आम विभिन्न समस्या नहीं कर आज 5 दफा दाबी आज स्ट्राइक अच्छे आती भितर आमर मुख्यतः जेहेतु पश्चिम ओडिशा गोटे कृषक बहल अंचल आन बहुत गरीब खटिकिया श्रमिक सब बास करती आती लगे आमर जेन हाइकोर्ट बेंच स्थायी बेंचटा आमको दरकार अच्छे कहीं लगे ये मैंने ये गरीब खटिकिया चाषी मैंने सब से कटक निर्भर करुच्च कैसी केस हेल्ले से मैंने आमर गोटे गोटे केस मैंने मरीगले भी सैटा फैसला आम नहीं पार्बार के आसबू जिन लगे आज आम इन आंदोलन करमर भाषा संबलपुरी भाषा के आमर अष्टम अनुच्छेद सामिल करवार लगी सेटा भी आमर मुख्य दाबी आमर मार भाषा आमर माँ समलेंकर भाषा आवरी अन्यान्य जहाँ जहाँ आमर असुविधा अच्छे से उपरे आज मुख्यतः 5 दफा दाबी से मैंने जहाँ दाबी कर रहा स्वतंत्र राज्य आप दाबी कर सबको जुहार मुई पंकजिनी मेहर देख आज 5 दफा दाबी 5 दफा दाबी रे संबलपुर बंद के संबलपुर नागरिक क्रियानुष्ठान कमिटी डकरा दे सेनु आम मैंने भी सामिल अच्छू तो रहा कथा आमर पश्चिम ओडिशा आज तक ओडिशा सागे रहीक 70 वर्ष नु ऊर्ध लान कैंसी प्रकार भी उन्नति ना कर पार्बा आम पश्चिम ओडिशावासी सब बेले अवहेलित करूँ जेन दिगरे आप देख स्वास्थ्य शिक्षा है कि आपणकर ई कोर्ट कचेरी है तो आमको निहाती भावे आमर पश्चिम ओडिशा के गोटे स्वतंत्र राज्य दरकार आम आज सेपरेट स्टेट लगे भी लड़े करुँ तार सागे सागे 2 कोटी ऊर्ध लोक कहुवा संबलपुरी भाषा के अष्टम अनुच्छेद सामिल करा जाओ आउ ओडिशार भी 2 नंबर राज्य भाषा रूपे मान्यता दि जाओ निहाती देखिपे समस्ते उपस्थित अच्छा समस्त दाबी जो रही 5 दबा दाबी रही इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर भी जो रही कौन कह देख फास्ट तो मुझे कहबी पश्चिम ओडिशा हाइकोर्ट बेंचटा निहाती दरकार एक आ द्वितीय कथा है दीप तले अंधार जनता कह जाए आम इन हीराकूद डैम रहीचे किंतु आम पानी किणिकी खाऊ पीछू आमर इलेक्ट्रिक तैयारी होचे बाहर जितने इलेक्ट्रिक फ्री में मिलूचे बहुत कम इे दि जाऊे से जगह आम इन प्रिपेड इलेक्ट्रिसीटी आपणकर पानी रे मीटर लग जाए यह तुरंत बंद कर आगे बहुत जोर लड़े हे बारंबार वकिलो माने आंदोलन किंतु सरकार जो टाणुनीति शुणुना निश्चित भाव में आज देखो 50 वर्ष ये आंदोलन चली रही किंतु आज पर्यंत हेलान सरकार माने कुंभकर्ण निद्रा सुईछन आज भी हेलान जब स्थायी बेंच लगे आम जिते थर भी सरकार को जनाऊु सी आम कथा शुणुना आज शुद्ध पानीय जल भी पश्चिम ओडिशावासी पाईपार ना कि तार उपरे गोटे पा मीटर लगे लगे गोटे जनता जुलूम कर टाटा पावर को देखे से माने बिना सूचन भी से माने आज पावर कट करद्वारा कि सब पश्चिम ओडिशा सब बेले माने अवहलित अवस्था अच्छे तेणुक आम सरकार को चाहूँ जे आमर गोटे स्वतंत्र राज्य गठन करा जाओ एवं स्थायी बेंच दि जाओ निहाती भाव में बहु वर्षर दाबी रही आसी किंतु जो सरकार उदासीनता देखापी मिलू पश्चिम ओडिशा खासकर संबलपुर जिले में हाइकोर्टर स्थायी बेंच स्थापना करकिल मैंने दीर्घ दिन धरी आंदोलन कर कौन कहे मैडम जो आज संबलपुर बंद डाकरा दि जाए संबलपुर बंद डाकरा को समर्थन दे संबलपुरवासी को बहुत बहुत धन्यवाद आउ दीर्घ दिन धरी संबलपुरवासी भोगुंट बहुत अवहेलित होती बहुत अत्याचार सही इलेक्शन पर इलेक्शन होती 5 वर्ष पर 5 वर्ष नवीन पटनायक इठिक आसे उद्घाटन कले पलैगले कि आम कथ शुणिले आम ये आंदोलन करूँ हंगर स्ट्राइक बसलु आग को भी निर्वाचन अच्छी जदि सरकार चाहते हाईकोर्ट बेंच न हो ताले निर्वाचन भी आम एथर करदेबुने आर फलाफल भी सरकार को मिल जाव कि जनता कौन पर भोट दिंट सरकार को एथिपाई कि तांकर प्रतिनिधित्व से करंतु किंतु सरकार प्रतिनिधित्व न करू करू नहांती जनतार आवाज शुणुना स्वतंत्र राज्य हेले
ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ବୁଝିଛୁ ଯେ ନା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଠି ବସନ୍ତି, କଟକରେ ବସନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତି ପଣନାତି ଏମାନେ ବି କେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆର୍ଏଫ୍ଆଇ ହେଉଛି, ରିଟର୍ନ ହେଉଛି କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏଥର ବି ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଆମେ ଦଫା ରଖିଛୁ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଦଫା ଉପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଦାବି ରହିଆସିଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଳୁନୀତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଆକୁ ଆପଣ କେତେ ଦେଖୁନ। କଥା ହେଉଛେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନଜାତି ଲୋକ ରହିବେ, ଆମର ଭାଷା ଅଲଗା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ଆମର ପରିଚୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛେ, ଆମର ଭାଷାକେ ସ୍ୱୀକୃତି ନାଇଁ ଦେବାର, ଆମର ଯେନ୍ ଜନଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତକେ ପୂରଣ ନାଇଁ କରବାର, ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ନେଇକରି ଆମର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଦାବି ରହିଛେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାଇଁ କରବାର, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇହାଦେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇରେ ଉତରିଛୁଁ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ହାସଲ କର୍ମୁ ଇନ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଭାଷା ଇସବୁକେ ଆମେ ସଂସ୍ଥାପିତ କର୍ମୁ, ଏବଂ ଯେତେଦିନ ତକ୍ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଇଛେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆହୁରି ତେଜିଆନ କର୍ମୁ। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କହିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହିତ ଯେଉଁ କହିବା ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।